हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ आईवी कुमार और हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे प्रोसीजर इन MySQL। हाँ जी, प्रोसीजर क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं MySQL वर्क बेंच पे और वर्क बेंच पे हम बनाने वाले हैं MySQL में प्रोसीजर्स। तो पहले समझते हैं प्रोसीजर्स होते क्या हैं। प्रोसीजर को समझने से पहले मैं आपको एक क्वेरी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट डेटाबेस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्कीमा इक्वल रेस्टोरेंट, स्कीमा का मतलब डेटाबेस कैटलॉग, डेटाबेस को ही स्कीमा बोलते हैं। नाउ तो मैं रेस्टोरेंट को चूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अगर लिखूँ यूज़ रेस्टोरेंट और मैंने इसे सेलेक्ट करके एक सूट कर दिया, ठीक है, तो एक सूट हो गया। और फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर टेबल्स भी हैं बहुत सारे, आप यहाँ से भी देख सकते हो टेबल्स, ठीक है। एक अटेंडेंस टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, आइटम टेबल है। तो मैं किसी एक टेबल को एक्सीक्यूट कर देता हूँ, जैसे एम्प्लॉय टेबल को किया, ओके, मैंने सेलेक्ट किया, एक्सीक्यूट किया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी एसक्यूएल क्वेरी को एक्सीक्यूट करते हो तो ये क्वेरी जो है वो सबसे पहले डेटाबेस सर्वर पे कंपाइल होती है, कंपाइल होने के बाद एक्सीक्यूट होती है, ठीक है। जितनी बार आप इस क्वेरी को एक्सीक्यूट करोगे उतनी बार ये क्वेरी कंपाइल होगी और एक्सीक्यूट होगी। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि हम इस क्वेरी को कहीं पे डेटाबेस सर्वर पे सेव कर दें, MySQL में MySQL सर्वर पे क्वेरी सेव हो जाए और फर्स्ट टाइम तो ये कंपाइल हो, लेकिन सेकेंड टाइम से जब भी मैं इस क्वेरी को कॉल करूँ तब ऑटोमेटिक सिर्फ एक्सीक्यूट हो, यानी कि बार बार जब जब मैं क्वेरी को एक्सीक्यूट करूं तो ये कंपाइल ना हो दोबारा, ये सिर्फ एक्सीक्यूट हो। तो ये मैजिक तभी हो सकता है जब आप प्रोसीजर जानते हो। प्रोसीजर एग्जैक्टली है क्या? प्रोसीजर में आप क्या कर सकते हो, जो क्वेरी आप MySQL डेटाबेस सर्वर पे सेव करना चाहते हो आप उसे प्रोसीजर में रैप कर सकते हो। एक प्रोसीजर बनाओ, उसमें रैप कर दो उस क्वेरी को और डेटाबेस सर्वर को दे दो। MySQL डेटाबेस सर्वर को जब वो प्रोसीजर मिलेगा वो उसे सेव कर लेगा। सेव करने के बाद जब आप उसे फर्स्ट टाइम कॉल करोगे उस प्रोसीजर को, तो उसके अंदर की रैप क्वेरी जो है वो एक्सीक्यूट होगी और कंपाइल होगी, एक्सीक्यूट होगी। लेकिन सब्सिक्वेंट टाइम से क्या होगा, कंपाइलेशन नहीं होगी, सिर्फ एक्सीक्यूट होगी। तो इससे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपको जो डेटा मिलेगा वो फास्टर मिलेगा, एक्सीक्यूशन टाइम फास्टर होगा, ओके। तो अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए, प्रोसीजर होता क्या है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेगमेंट ऑफ डिक्लेरेटिव एसक्यूएल स्टेटमेंट्स स्टोर्ड इनसाइड द MySQL सर्वर, यानी MySQL सर्वर पे स्टोर्ड कुछ सेगमेंट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट है, उनको हमने MySQL सर्वर पे सेव कर दिया है। जब भी हम द फर्स्ट टाइम यू इनवोक अ स्टोर्ड प्रोसीजर, MySQL लुक्स अप फॉर द नेम इन द डेटाबेस, compile the stored procedures code and place into the memory area known as cache and execute the stored procedure, ठीक है। But subsequent time क्या होगा, if you invoke the same stored procedure in the same session again, MySQL just execute the stored procedure from the cache without having to recompile it। तो अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपकी एप्लीकेशन स्लो चल रही है, डेटाबेस से डेटा लाने में, फेच करने में उसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप इसे एक रामबाण की तरह ट्राई कर सकते हैं। यह आपका MySQL प्रोसीजर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। सो लेट्स क्रिएट इट। अब इसे बनाने के लिए जो मैं आपको पहला मेथड दिखाने वाला हूँ वो मैं MySQL वर्कबेंच में नहीं बनाऊँगा, मैं आपको कमांड लाइन पे पहले प्रोसीजर बना के दिखाता हूँ। अगर मैंने वहाँ बना लिया, हमने वहाँ बना लिया, तो यहाँ पे आप चुटकी बजा के वो काम कर सकते हो बहुत इजी वे में, ठीक है। तो पहले बनाते हैं, हम समझने के लिए चलते हैं MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे, ठीक है। तो मैंने टाइप करना है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, ओपन कर दिया। आपने ऑलरेडी इस पे वर्क किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो मेरी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया जो इंस्टॉलेशन टाइम पर दिया था, मेरा पासवर्ड है पास, लेकिन आप अपना पासवर्ड डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे डेटाबेस देखना है कि कौन कौन सा डेटाबेस है हमारे पास। तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस, रेस्टोरेंट है, यस है, यूज रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट को शो टेबल्स करोगे तो इसके अंदर के टेबल्स पता चल जाएंगे। चलिए एम्प्लॉय हमारे पास टेबल भी है, हमने रिकॉर्ड भी यहाँ पे देख लेना है। अब बात आती है कि प्रोसीजर बनाया कैसे जाए। अब बनाने से पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, डेलिमीटर। एक्चुअली डेलिमीटर क्या होता है, जब भी आप कोई क्वेरी लिखते हो तो उसको एंड करने के लिए एक टर्मिनेटर यूज करते हो, सेमी कॉलर, तो डेलिमीटर है। आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। डेलिमीटर मैंने कर दिया हैश। अब क्या होगा, जब भी मैं क्वेरी लिखूंगा तो चेंज, यहाँ पे क्वेरी को एंड करने के लिए सेमी कॉलर का यूज नहीं करूंगा, हैश का यूज करूंगा। आई होप आपको डेलिमीटर समझ में आ गया हो। डेलिमीटर से आप अपनी क्वेरी को एंड करते हो, टर्मिनेट करते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीजर में इसका क्या रोल है डेलिमीटर का। एक्चुअली प्रोसीजर के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, कुछ सेट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। अब उन एसक्यूएल क्वेरीज को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। तो जब सेमी कॉलन का यूज करेंगे तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रोसीजर बनाने में हमें पहले तो डेलिमीटर चेंज कर लेना चाहिए। तो डेलिमीटर चेंज कर लीजिए, बहुत ईजी है, कर लिया। क्या करना है आपको, एक कमांड लिखना है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। आपको क्या करना है, मान लो मैं एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं एक प्रोसीजर बना देता हूँ, गेट एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा बिगिन, और इसके अंदर वो क्वेरी लिख दूंगा जो मैं इस प्रोसीजर के अंदर रैप करना चाहता हूँ। तो मैं सारे एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। और आपको याद है कि हमने डेलिमीटर चेंज कर दिया है, लेकिन इसके अंदर हम सेमी कॉलन ही लिखेंगे, ठीक है। एंड करेंगे, प्रोसीजर एंड होने जा रहा है, और प्रोसीजर को एंड करने के टाइम हम हैश दे देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने प्रोसीजर को एंड करने जा रहे हैं, डेलिमीटर हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोसीजर के अंदर क्वेरी लिखते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमने डेलिमीटर को चेंज किया है, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर जो क्वेरी लिखेंगे वो सेमी कॉलन से ही टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपने एंटर किया, ये प्रोसीजर बन गया। अब जब ये प्रोसीजर बन गया है तो अब मैं इसे कॉल कैसे करूँगा, तो बहुत सिंपल है, कॉल और प्रोसीजर का नाम लिख दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे डेलिमीटर चेंज किया है हमने, देखिए कॉल किया गेट एम्प्लॉय डिटेल, ऑटोमेटिक ये प्रोसीजर कॉल हुआ। प्रोसीजर के अंदर क्वेरी क्या लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये हमें वही रिजल्ट दे रहा है जो उसके अंदर क्वेरी लिखी हुई है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कंपाइल हुआ, एक्सीक्यूट हुआ, ये इंटरनल मामला है। जब सेकेंड टाइम मैं कॉल करूँगा या जितनी बार भी कॉल करूँगा सबसिक्वेंट टाइम, तो क्या होगा, मुझे सिर्फ वो क्वेरी एक्सीक्यूट होगी, वो सर्वर पे कंपाइल नहीं होगी, बिकॉज सर्वर पे ऑलरेडी वो कंपाइल होकर मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही है, राइट। डेलिमीटर चेंज करना हो तो चेंज कर लो और फिर कॉल करो, ठीक है। तो ऐसे आप अपना काम कर सकते हो। तो बहुत इजी है प्रोसीजर को बनाना, हमने बहुत इजीली प्रोसीजर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रोसीजर को ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अगर प्रोसीजर डिलीट करना हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फंक्शन की तरह नहीं देना, बस आपको यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया था, ब्रैकेट रिमूव करना है, ठीक है। प्रोसीजर आपका रिमूव हो गया, अब कॉल करो, नहीं एग्जिस्ट करेगा बिकॉज वो तो हमने रिमूव कर दिया, ड्रॉप कर दिया। जब आप कॉल करोगे तो ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने सीखा कैसे प्रोसीजर बनाना है और कैसे उसे कॉल करना है और कैसे उसे ड्रॉप करना है, तीनों चीज़ें हमने सीखी यहाँ से, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोसीजर हमने बनाया। अब यही प्रोसीजर अगर मुझे MySQL वर्कबेंच में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है, चलिए मूव कर जाते हैं MySQL वर्कबेंच पे। तो मैं आ चुका यहाँ पे MySQL वर्कबेंच पे, ठीक है।
अब आने के बाद क्या करना है? तो बहुत सिंपल आपको स्टेप्स लिख रहे हैं। आपको ये जो डेटाबेस आप देख रहे हो, रेस्टोरेंट डेटाबेस, इसे सेलेक्ट करना है। टेबल्स में जाइए, टेबल्स में एम्प्लॉय, ठीक है, देख रहे हैं। यहाँ देखिए एक स्टोर प्रोसीजर नाम का ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, कर दिया आपने क्लिक, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए स्टोर प्रोसीजर में क्या क्वेरी लिखना चाहते हैं। वही प्रोसीजर मैं बना रहा हूँ जो प्रोसीजर हमने कमांड लाइन के थ्रू बनाया था, बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे और रन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ प्रोसीजर का नाम, मैंने कहा गेट एम्प्लॉय डिटेल्स और यहाँ पे जाके अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे एक वही क्वेरीज आ गई जो क्वेरीज हमने वहाँ पे लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? कमांड लाइन क्लाइंट पे। तो यूज रेस्टोरेंट ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे ड्रॉप करो पहले। डेलीमीटर चेंज किया है, हमने हैश यूज़ किया था या उन्होंने डॉलर यूज़ किया, दो बार डॉलर। यूज रेस्टोरेंट डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बिगिन क्वेरी वही एंड, और यहाँ पे उस डेलीमीटर से एंड कर दिया और फाइनली जो है डेलीमीटर चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसलिए बताया था आपको कमांड लाइन क्लाइंट पे, जिससे आपको इंटरनल चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है, ये जो चीज़ें ऑटो जनरेट हो रही हैं वो भी समझ में आ जाए। अप्लाई पे क्लिक करना है, ये बन गया आपका, फिनिश पे क्लिक कर देना है, ये हो गया आपका प्रोसीजर। इस पे स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक करें, ये रहा आपका गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये बना तो दिया, चेक करते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू एसक्यूएल एडिटर प्रोसीजर कॉल। देखिए कॉल करने के लिए ये एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, इसे सेलेक्ट कीजिए, रन कीजिए, आउटपुट आपको वही मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे MySQL वर्कबेंच पे भी बना सकते हो MySQL प्रोसीजर। तो आज हमने बहुत ही सिंपल एक स्टोर प्रोसीजर बनाना सीखा है, उसे ड्रॉप करना सीखा है। यहाँ पे ड्रॉप कैसे करोगे? राइट क्लिक करो और यहाँ पे ड्रॉप स्टोर प्रोसीजर, ड्रॉप नाउ, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये रहा नहीं, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को बनाना है, स्टोर या MySQL वर्कबेंच में या कमांड लाइन क्लाइंट में। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, आप इसे थ्रोली प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, नमस्कार।